ongoing thing. एडिडास एक जर्मन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो मैन्युफैक्चर करती है शूज, क्लोथिंग और एक्सेसरीज को। दो भाइयों के द्वारा एक कंपनी बनाई गई जुलाई 1924 में, डेसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री। इन लोगों ने काफी सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स भी स्पॉन्सर किए। 1947 में डेसलर ब्रदर्स का रिलेशन खराब हो गया और एक रुडोल्फ ने नई कंपनी बना ली रूडा, जो आगे चल के प्यूमा बनी और अडोल्फ ने एडिडास बना ली। पूरे यूरोप में एडिडास एक लार्जेस्ट स्पोर्ट्स वियर मैन्युफैक्चरर है और सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। एडिडास ने क्रिकेट बैट स्पॉन्सर किया जो यूज करते हैं हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 2008 से लेके रिटायरमेंट तक। एडिडास ने रीबॉक को खरीद लिया 2005 में नाइकी के साथ कंपटीशन करने के लिए। जनवरी 2015 में एडिडास ने लॉन्च किया फुटवेयर इंडस्ट्री का फर्स्ट रिजर्वेशन मोबाइल ऐप। आइए जानते हैं एडिडास और प्यूमा के बारे में और डिटेल। दोस्तों, एडिडास और प्यूमा इन्हें कौन नहीं जानता, पर क्या आप ये जानते हैं कि स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे बड़े दो ब्रांड्स एडिडास और प्यूमा के फाउंडर्स भाई थे? जी हाँ दोस्तों, इन भाइयों का नाम था एडोल्फ डेसलर और रुडोल्फ डेसलर। ये कहानी उन दो भाइयों की है जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े दो ब्रांड्स की शुरुआत तो एक साथ की थी, पर अंत में दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इन दोनों भाइयों के बीच ये लड़ाई कहां से शुरू हुई, ये जानने के लिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तो इन दो भाइयों की कहानी की शुरुआत होती है 1920 में, जहां ये दोनों डेसलर भाई डेसलर ब्रदर्स शू कंपनी के पार्टनर्स थे। ये भाई जर्मनी के एक छोटे से टाउन में अपनी मां के लॉन्ड्री रूम में अपना काम करते थे, जहां एक तरफ एडोल्फ शांत स्वभाव के थे और जूते डिजाइन करने में माहिर थे और दूसरी तरफ से रुडोल्फ, इसीलिए उन्होंने सेल्समैन का काम संभाला। इन भाइयों को सबसे बड़ी सफलता मिली 1936 में, जब 1936 ओलंपिक्स में जेसी ऑन्स ने उनके बनाए हुए जूते पहने और गोल्ड मेडल जीता और इस तरह पूरी दुनिया में उनके जूते फेमस हो गए। पर इस सक्सेस के साथ साथ उनके रिश्ते में दूरी आना शुरू हो गया। पहले तो घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते थे, पर इनके बीच ही सबसे बड़ी तकरार आई वर्ल्ड वॉर टू के टाइम, जब दुश्मनों ने उस शहर पर हमला कर दिया जहां डेसलर भाइयों का घर था। हुआ ये कि बमबारी के दौरान जब एडोल्फ और उनकी पत्नी उस बॉम्ब शेल्टर में चढ़े जिसमें पहले से ही रुडोल्फ और उनकी पत्नी थे, एडोल्फ ने बमबारी करने वालों के लिए कहा कि ये घटिया लोग आ गए, पर रुडोल्फ को लगा कि एडोल्फ ने उन्हें और उनकी पत्नी को घटिया कहा है और इस तरह दोनों भाइयों के बीच बड़ी दरार बन गई। धीरे धीरे ये दरार और भी बढ़ती गई। 1948 में ये लड़ाई और भी बड़ी हो गई जब दोनों भाइयों ने कंपनी का बंटवारा शुरू कर दिया। एडोल्फ ने अपनी कंपनी को नाम दिया एडिडास और रुडोल्फ ने अपनी कंपनी को नाम दिया प्यूमा। दोनों कंपनियां और आर्क नदी के आमने सामने थी और शहर के लगभग हर व्यक्ति दोनों में से एक कंपनी में काम करता था और दोनों भाइयों की इस लड़ाई में मानो जैसे पूरा शहर ही शामिल हो गया था। लोकल बिजनेस या तो एडिडास को सामान देते थे या फिर प्यूमा को, पर उस सिटी में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं था जो एक टाइम पे दोनों के साथ काम करता हो। एडिडास में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति प्यूमा में काम करने वाले व्यक्ति से रिश्ता नहीं रखता था और शादी तो बिल्कुल भी नहीं होती। आखिरकार साल 2009 में ये लड़ाई खत्म हो गई जब दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज ने एक फ्रेंडली सॉकर मैच खेला। हालांकि ये मैच देखने के लिए डेसलर भाई इस दुनिया में नहीं थे, इन भाइयों ने अपनी डेथ के टाइम पे भी लड़ाई को जारी रखा। उनके शरीर को भी एक ही शमशान में दो अलग अलग जगह पे दफनाया गया, एक दूसरे से जितना दूर हो सके उतना दूर। दोस्तों, गलतफहमी हर रिश्ते में हो जाती है, पर हम उस गलतफहमी को अपनी पूरी उम्र सीने से लगा के तो नहीं बैठ सकते। गलतफहमी को कब्र तक ले जाने से सिर्फ दर्द ही होता है। डॉल्फ अच्छे जूते बनाते थे क्योंकि उनकी स्पोर्ट्समैन से काफी अच्छी जान पहचान, उनका बिजनेस अच्छा चला। लेकिन दूसरी ओर रुडोल्फ, जिन्हें केवल सेल्समैन का ही एलियंस था, उनका बिजनेस बुलंदियों को नहीं छू सका। अगर ये दोनों भाई लड़ने की बजाय एक साथ काम करते और अपनी गलतफहमी को दूर कर लेते तो शायद दुनिया में सिर्फ दो ही अच्छे ब्रांड होते, एडिडास और प्यूमा। पर इनकी आपसी तकरार होने के कारण कंपटीशन में एक और नया ब्रांड आया, नाइकी। फ्रेंड्स, अपने मसलों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाना ज्यादा अच्छा होता है। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।